हेलो स्टूडेंट, करते हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 21 है आई इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। तो हम इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं कि साइन इनवर्स जब भी ऐसा होता है तो अंदर हमें साइन बनाना होता है कि साइन साइन कैंसिल हो जाए और अंदर एंगल है उसको हम इंटीग्रेशन कर दें। तो कॉस को साइन बनाने के लिए क्या करते हैं हम, आई इक्वल टू साइन इनवर्स ऐसे लिखेंगे। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 माइनस एक्स डी एक्स करते हैं। तो ये क्वाड्रेंट है, ये जीरो, ये पाई बाय टू, तो पाई बाय टू माइनस एक्स, पाई बाय टू में चेंज होता है तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और पाई बाय टू यानी यहाँ से यहाँ तक पाई बाय टू आया, प्लस होता तो इस वाले क्वाड्रेंट में आता, माइनस इसमें आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए कॉस का जो आएगा प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये साइन से साइन कैंसिल, क्या बचेगा पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। उसको डिफरेंशिएट करते हैं, पाई बाय टू इसको अलग कर देंगे, डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, तो पाई बाय टू ऐसे ही रहेगा और डी एक्स का हो जाएगा एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 है वन अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका करने का तरीका क्या है, अगर कॉस कॉस साइन साइन सेम होते हैं, सेम होगा तो हम क्या करेंगे, साइन साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वो साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड, और अगर डिफरेंट होगा यहाँ कॉस यहाँ साइन तो कॉस कॉस से, यहाँ साइन यहाँ कॉस तो कॉस कॉस से, मतलब सेम हुआ तो साइन से करेंगे। तो यहाँ पे सेम है तो हम क्या करेंगे, नीचे सेम लिखेंगे कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी अपॉन में साइन, ये ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ भी वन अपॉन साइन ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ डी एक्स। अब यहाँ क्या लिखेंगे, पहले इसको माइनस करेंगे दो एंगल को, तो एक्स माइनस ए माइनस एक्स, इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा प्लस बी ना, ऐसे करेंगे ना, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, तो खोलेंगे ब्रैकेट तो यहाँ माइनस रहेगा यहाँ माइनस में प्लस हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल, बी माइनस ए इसको ऐसे लिख देंगे, तो इसको यहाँ लिख देंगे बी माइनस ए, यहाँ भी आ जाएगा बी माइनस ए। उसके बाद क्या करेंगे, वन अपॉन साइन बी माइनस ए ब्रैकेट, यहाँ माइनस करके आया था, ये कैसे आया था ये वाला माइनस करके, तो उसको जैसा आया था वैसे ही लिख देंगे, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, नीचे सेम कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब ये देखो, अगर इसको हम ए लेते हैं इसको बी लेते हैं तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो ये लगाते हैं इसको, वन अपॉन साइन बी माइनस ए, ये लिखा इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा साइन साइन ए एक्स माइनस ए, फिर कॉस बी एक्स माइनस बी, साइन माइनस का, फिर कॉस ए, ये कितना है एक्स माइनस ए, फिर कॉ साइन बी कितना है एक्स माइनस बी, अपॉन में आएगा कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। फिर क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, तो वन अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट हो जाएगा दोनों के लिए, ये पूरा अपॉन ये, फिर ये वाला अपॉन ये, तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए, और यहाँ पे कॉस है, कॉस लिखना भूल गया मैं, कॉस कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस, फिर इंटीग्रेशन ये पूरा कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी अपॉन में सेम पूरा ये कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, अलग कर लिया हमने इसको। अब कुछ करता है इसमें, कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी कटा, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए कट गया, तो यहाँ क्या बचा, ये तो फिर सेम आएगा साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन साइन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए, ध्यान देना एंगल सेम है तो क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस टेन एक्स माइनस ए, ये हो गया टेन एक्स माइनस। उसके बाद माइनस, यहाँ देखो यहाँ साइन है यहाँ कॉस है और एंगल सेम, तो क्या हो जाएगा टेन एक्स माइनस बी, ये हो जाएगा डी एक्स, ये भी डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे टेन एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन
साइन बी माइनस ए। इसे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने इसके फॉर्मूले पढ़े थे टेन एक्स के, तो क्या होता है टेन एक्स का फॉर्मूला, टेन एक्स का होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, यानी एक्स क्या है एक्स माइनस ए, ठीक है। उसके बाद माइनस इसका भी क्या होगा, माइनस लॉग कॉस एक्स यानी एक्स माइनस बी, और माइनस क्या यानी माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस सी आ जाएगा प्लस सी, ठीक है। और आगे फिर सॉल्व हो गए सेम, नेक्स्ट पेज में नोट कर लिया। अब देखो यहाँ पे लॉग माइनस में है और लॉग प्लस में है, तो ये फॉर्मूला हमें पता है लॉग का एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन ये होता है, यानी लॉग एम माइनस लॉग एम अपॉन एन का लॉग एम माइनस लॉग एन, और लॉग एम माइनस लॉग एन का लॉग एम माइनस एन, तो ये आएगा वन अपॉन साइन बी माइनस ए, यहाँ पे लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग लिखा एक्स बाई बी अपॉन में आ जाएगा कॉस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ कॉस है कॉस यहाँ कॉस है, अपॉन में आ जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस ए आएगा प्लस सी। इसमें क्या है लॉग एम अपॉन एन है, तो लॉग ए क्या आएगा एम अपॉन एन, ठीक है। ये इसका आंसर है।